ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को अहूजा का ये 100 वाट का स्पीकर को दिखाऊंगा, जो कि दोस्तों ये मिड बेस स्पीकर है। और अगर आप बड़े बड़े प्रोग्राम पे काम करते हो तो शायद इस स्पीकर को आप अभी तक नहीं देखे होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में इस स्पीकर को मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ में दोस्तों इसको फिटिंग करूंगा और टेस्टिंग भी करूंगा। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वाले स्पीकर को हम लोग को बॉक्स से निकाल लेना है, मतलब निकाल लेते हैं। ऊपर से देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से कार्टून में फेंक होकर आता है। उसके बाद इस स्पीकर को हम लोग बाहर निकालते हैं, जो कि प्लास्टिक के रैपर में पूरी तरह से सील है। तो मैं इसे पहले बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालने के बाद दोस्तों इस वाले स्पीकर का जो प्लास्टिक है उसे निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं अंदर में दिखाता हूँ ये स्पीकर यहाँ पे कैसे देखने के लिए मिलता है। तो इस स्पीकर का लुक और डिज़ाइन देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका। इसका मैग्नेट भी काफ़ी छोटा है, लेकिन दोस्तों इसका बॉडी का जो कलर देख रहे होगा थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप से है, और अहूजा यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे ब्राउन थोड़ा सा देने का कोशिश किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने के लिए लग रहा है। शायद ये ब्राउन नहीं है, पर कोई भी कलर है लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव है। ओके, तो आगे दोस्तों इस वाले स्पीकर को हम लोग बॉक्स पे फिटिंग करेंगे, उसके बाद इसका टेस्टिंग भी करेंगे। तो इसका पेपर कोन दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है, और इस स्पीकर को दोस्तों आप होम डीजे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप बर्थडे पार्टी वगैरह में लगा सकते हैं, अपने घर के पार्टी में लगा सकते हैं, या फिर होम थिएटर के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जो कि ये 100 वाट का स्पीकर है, इसका मैक्सिमम पावर 300 वाट है, और ये 8 ओम इम्पीडेंस में काम करता है। इसका लीड वायर भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें बेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें इतना अच्छा बेस आएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बेस है। मैं सोच रहा था इसमें ज़्यादा मिड आएगा और ज़्यादा हाई आएगा, लेकिन इसमें बढ़िया अच्छा खासा बेस आता है, जो कि आप अपने घर पे लगाओगे तो आपको होम थिएटर से भी ज़्यादा अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, प्राइस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे ये पुराना मॉडल वाला स्पीकर है तो इसका प्राइस कम था, और अभी इसका प्राइस बढ़ चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस स्पीकर को लेना चाहते हो, या फिर कोई सा भी स्पीकर जैसे कि अहूजा, एनएक्स ऑडियो, स्टूडियो मास्टर, पी ऑडियो, JBL, कोई सा भी स्पीकर को लेना चाहते हो ओरिजिनल GST बिल के साथ, तो दोस्तों आप पोदार इलेक्ट्रॉनिक्स पे विजिट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों और यहाँ पे डिस्प्ले में भी आपको नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 500 वाट का एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा वाटेज का हो जाता है, लेकिन यही ओपन एम्पलीफायर था, और इसी से हम लोग टेस्टिंग कर ले हैं। देख रहे हैं दोस्तों इसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है इतने हैवी वाटेज के एम्पलीफायर में। तो आप इसका टेस्टिंग सुन सकते हैं। Thank you.